हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सही हो। पहले मैं बोल दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। नीचे के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी पूजा आ रही है और मैंने उसी के लिए कुछ बस पेंटिंग किया है। आज माँ की रुद्र मूर्ति बनानी है, माँ दुर्गा की, तो उसी के लिए मैंने तैयारी किया है। आज देख लो मैंने क्या क्या लिया था। आज पेंटिंग के लिए मैंने 5 बेसिक कलर जो होते हैं वही लिए हैं। एक्चुअली मैंने ख़रीदा भी वही बेसिक 5 कलर ही है, क्योंकि मुझे मैंने बहुत सारे वीडियोस देख लिए यूट्यूब में कि इसी 5 कलर के साथ ही सब कुछ हो जाता है। तो मैं देख रही हूँ खुद भी करके कि हाँ हो जाता है। तो ये दुर्गा माँ को लेके मेरा 2nd वीडियो है। होप सब लोगों को आज का भी वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक करना, शेयर करना मत भूलना, और प्लीज़ लाइक करके जाना। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताना आज की पेंटिंग आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक करना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बस रीज़न बोल के जाना। और होप आज मैंने इनजस्टिस नहीं किया माँ दुर्गा के साथ। मैंने कोशिश किया था उनकी रुद्र मूर्ति बनाने की। मुझे लगा कि थोड़ा सा बना है, और जो नहीं बन पाया उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं। और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। और आज मैंने बस कुछ ही चीज़ों के साथ, और आप देख ही रहे हो, मैंने बस 5 कलर के साथ मैंने पूरा पेंटिंग बनाया है। और उसके साथ मैंने मास्किंग टेप या पेपर टेप जिसको कहते हैं उसको यूज़ किया है। इसकी वजह से पेंटिंग को बहुत अच्छा लुक मिलता है, तो इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया है। अगर मैं चाहूँगी मैं बाद में उसके ऊपर एक अलग वीडियो बना दूँ। तो होप आज का वीडियो अच्छा लगा। अभी मन में बस पूजा ही पूजा चल रहा है, क्योंकि अभी नए कपड़े, नया सब कुछ खरीदने का बहुत फैशन चल रहा है, दौर चल रहा है। क्योंकि पूजा के वक्त हर बंगाली कुछ करे ना करे नए कपड़े ज़रूर खरीदता है, पहन के बाहर ज़रूर जाता है। और कुछ लोगों से होता है, कुछ लोगों से नहीं होता। तो बस दिल में बस पूजा की खुशी आ गई है, और पूरे आसमान में पूजा की खुशबू आ रही है। तो वही सब चीज़ें मुझे आज पेंटिंग बनाने में मजबूर करा। तो मैंने इसीलिए मजबूरी में आके, जब मुझे ज़ोर से पेंटिंग आती है तो बस पेपर और कलर लेके बैठ जाती हूँ। मुझे प्रपोजन का बिल्कुल समझ में नहीं आता, कभी तेरा होता मेरा होता, मगर मैं करती हूँ क्योंकि ये मुझे खुद से खुशी देती है। तो होप आज का वीडियो और मेरी बातें दोनों पसंद आया, और पेंटिंग आप लोगों को पसंद आई। और पसंद आया तो ज़रूर ज़रूर लाइक करना, और नहीं आया तो कुछ नहीं कर सकती मैं। और आज पेंटिंग जो है मेरा वो बहुत कुछ एक्सप्रेस कर गया, तो मुझे बहुत पसंद आया आज का पेंटिंग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अब मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।